एक बच्ची के साथ हुआ और सारी जो चीजें चल रही थी वो भ्रामक खबर थी, और जिसने भी ये भ्रामक खबर चलाई उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक फाइनल बयान आपसे चाहेंगे, जो आरोप परिजन लगा रहे हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, क्या वो आरोप गलत है? किस तरह की घटना हुई थी, इस घटना का आप खंडन कर रहे हैं किस तरह? ये मैं बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ, ऐसी कोई घटना नहीं। गीता झुंझानी जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही जी है? नहीं, किसी को जी नहीं। वो तो ये मामला जैसा बताया जा रहा था वैसा कुछ नहीं था। अगर किसी ने बच्ची या बच्ची की फैमिली से रिलेटेड कुछ भी गलत चीजें चलाई, शिकायत मिलने पे उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए। दुर्ग भिलाई में लगातार मैसेजेस के दौरान एक खबर आ रही थी, एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा था कि दुर्ग भिलाई के जाने माने स्कूल के भीतर एक 5 साल की बच्ची के साथ लैंगिक छेड़छाड़ की घटना हुई है, जिसके बाद लगातार लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर इतने बड़े स्कूल में इस तरह से हुआ और अब तक कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा, रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हो रही, आवेदन क्यों नहीं लिए जा रहा है, कोई सामने क्यों नहीं आ रहा। लेकिन दुर्ग जिले के कप्तान जितेंद्र शुक्ला सामने आते हैं मीडिया के, और बाद में वो बताते हैं कि सारी जो चीज़ें चल रही थी वो भ्रामक खबर थी, और जिसने भी ये भ्रामक खबर चलाई उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। पिछले कुछ दिन से जो खबर आ रही थी वो एक बड़े स्कूल से जुड़ी हुई थी, या यूँ कहूँ कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उस स्कूल को बदनाम करने के लिए भी किसी तरह की साजिश बताई जा रही थी। इस पूरे विषय पर अब तक संशय है, हम भी किसी आखिरी मुद्दे तक नहीं पहुँचे हैं। पुलिस ने अपनी जाँच के बाद जो कुछ बताया है सिर्फ उसके बारे में वो रिपोर्ट तैयार हुई है, जिसको मैं सुनाने के लिए स्क्रीन के सामने आपके खड़ा हूँ। हमें जो जानकारी मिली थी उसमें ये बताया गया था कि भिलाई के एक स्कूल जहाँ पर 5 तारीख को एक 5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है, और छेड़छाड़ के बाद जो है ये तुल पकड़ता है मामला। अब इस दौरान जो जितेंद्र शुक्ला हैं, जो SP हैं, उनका कहना है कि 9 या 10 तारीख के करीब ये पूरी चीज़ें जो हैं फैमिली के द्वारा जो हैं और स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो हैं थाने तक पहुंची ये जानकारी कि ऐसा मामला हुआ है। 5 तारीख को मामला होता है, 5 तारीख से 9-10 तारीख के बीच इस मामले में मेडिकल जांच हो रही थी, पूछताछ किए जा रहे थे परिवार के संबंध में, और जो स्कूल वाले थे उनसे पूछताछ कर रहे थे परिवार वाले, ऐसा बताया जा रहा था। उसके बाद ये मामला थाने तक पहुँचता है, पुलिस अपने अंडर ही लेती है और उसके बाद इस पर जाँच करती है, तो पता चलता है कि जो डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, जो जिन्होंने जाँच किया है उन्होंने क्या कुछ बताया, उसके आधार पर उन्होंने जो बताया वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जितेंद्र शुक्ला जो SP हैं दुर्ग के, उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को एक मामला हुआ बच्ची के साथ छेड़छाड़, जैसा मामला जैसा बताया जा रहा था वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने बताया कि एक ऐसा हुआ था, बच्ची पेन में थी, दर्द हो रहा था, करा रही थी, हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर उसकी जांच हुई। जांच के दौरान ये हुआ कि यूरिनल इन्फेक्शन है, ऐसा बताया गया था, क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी डॉक्टर के ज़रिए और जो कुछ उसमें जांच किए गए थे उसमें बच्ची के जो रिपोर्ट्स थे उसमें यूरिनल इन्फेक्शन की बात कही गई। अब वो तथ्य किसी गलत हाथों में लग जाने की वजह से, जो मेडिकली डिपार्टमेंट से नहीं है, जो मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उन लोगों के हाथ में ये तथ्य लगने के बाद जो है मामला बाहर वायरल होता है और ये दर्शाया गया कि बच्ची के साथ जो है लैंगिक छेड़छाड़ जैसी घटना हुई है। अब इसके बाद इस विषय पर हमारे जो रिपोर्टर हैं ईशा साहू, उन्होंने जब आज सुबह सुबह ये पता चलता है कि उस स्कूल के सामने इस तरह से जो है हंगामा होने वाला है या फिर कुछ होने वाला है, तो ईशा साहू वहाँ पहुँची थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस स्कूल के जो जिम्मेदार हैं, जो वहाँ के प्रबंधक हैं, वो खुद सामने आकर के उन्होंने क्या कुछ बताया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चूंकि इस स्कूल के प्रबंधक खुद सामने आकर के ये जानकारी दिए हैं कि वहाँ क्या कुछ हुआ था क्या कुछ नहीं हुआ था, तो उस स्कूल का नाम मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उस स्कूल के प्रबंधक सामने आया है, तो उस स्कूल का नाम है रिसाली का DPS स्कूल, जो काफ़ी फेमस है अपने आप में,
और काफ़ी बड़े जो लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इस पूरे मामले में जो प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद इस पूरे मामले में दुर्ग जिले के SP जितेंद्र शुक्ला का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक घटना के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रचारित तो या दुष्प्रचारित बोल सकते हैं किया जा रहा है, और उसके बारे को लेके उस घटना को लेके शहर का थोड़ा माहौल भी अभी इस बीच ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हमने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का विचार किया। पिछले कुछ दिनों में यह चल रहा था कि यहाँ पे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको प्रॉपर जांच नहीं किया गया, प्रॉपर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके संदर्भ में पुलिस, दुर्ग पुलिस पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहेगी कि जैसे ही उस घटना का संज्ञान मिला था, 6 तारीख की घटना हमारे संज्ञान में आई थी और 7 और 8 से हमने उस पर जाँच शुरू कर दी थी, और पिछले 10-15-20 दिनों में हमने उस पर हर एक पहलू पर जाँच की और बहुत ज़िम्मेदारी और गंभीरता से उस पर जांच की, और सभी पहलू पे, बच्ची से लेके पेरेंट्स से लेके स्कूल के में काम करने वाले लोगों से लेके प्रिंसिपल, टीचर, हेडमिस्ट्रेस, आया, सभी लोगों से लेके बातचीत किया, और उसके अलावा जिन्होंने मेडिकली ट्रीटमेंट किया था बच्ची का, उन डॉक्टर से भी हमने मतलब उस पर कंसल्ट किया और उनका भी राय जाना, जिसके आधार पे पूरी जिम्मेदारी से हम इस पहलू को रखना चाहते हैं कि उस केस में बच्ची के साथ जैसा छापा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और सिर्फ उसको कुछ यूरिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम के तहत वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए थे जैसा डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया है, बताया है, और जो इस पर ये प्रचारित किया जा रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो घटना प्रथम दृष्टया नहीं हुई है, प्रूव नहीं हुई है, और किसी भी तरीके से उस पर जांच करने पे हमने उसको असत्य पाया है। साथ ही साथ घटना के 2-3 दिन ही गार्जियन ने इस पर अपनी असहमति दिखा दी थी कि इस पर हमको कोई भी जांच और कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस ने उनके पास अप्रोच किया था कि अगर आपके पास कुछ भी इस पर और संदिग्ध या कुछ और संदेहजनक ऐसा आपको लगता है तो आप हमारे पास वो दीजिए, चल के बच्ची का हमको मतलब बातचीत करने दीजिए, हम लोग उस पर और कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने उस पर अपनी असहमति जता दी थी कि हमको इस पर और कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, तो जब कुछ हुआ नहीं और उन्होंने असहमति जताई तो हमने उस पूरे मुद्दे को जांच करके अभी ख़त्म किया है, और आप सभी से और मीडिया के माध्यम से सभी शहरवासियों से भी ये अनुरोध है कि इस मुद्दे पे जो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो लोग दुष्प्रचारित कर रहे हैं, जो शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि एज ए जिम्मेदार व्यक्ति, मैं पुलिस अधीक्षक दुर्ग के नाते आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि इस मुद्दे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और हमारे पास प्रॉपर जाँच रिपोर्ट्स हैं सभी जगह की, और किसी के बहकावे में नहीं आए, और इस पे जो भी है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बिना पुलिस से पूछे, बिना संस्थान से पूछे, बिना बच्ची के गार्जियन से मतलब फैक्ट जाने, किसी भी तरीके की इस तरह की बातें दुष्प्रचारित नहीं करें, क्योंकि छोटी बच्ची का मामला है और उसके फ्यूचर और उसके लाइफ का मामला रहता है। पॉक्सो एक्ट भी कहता है कि हम जब भी घटना संज्ञान में आए तो पहले पुलिस को बताएँ, कुछ भी लिखने से पहले भी पुलिस को बताएँ, जो पॉक्सो की धारा 20-21 बोलती है। तो आप सभी से उम्मीद है कि इस पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता बनाए रखेंगे जैसे अभी तक बनाए हुए हैं, और किसी भी प्रकार के बहकावे में पब्लिक नहीं आए, मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि इसमें दुर्ग पुलिस का साथ देंगे, और जैसा भरोसा हमेशा दुर्ग पुलिस के प्रति बनाए रखते हैं वैसा ही बनाए रखें। ये मामला हमारे संज्ञान में शुरू से था और हमने इस पर प्रॉपर जाँच कराई, और अभी तक इसमें कुछ हमको नहीं मिला है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो फैलाया जा रहा है उसके बहकावे में नहीं आएंगे। सर बताएंगे, तमाम पेरेंट्स आपके स्कूल में हल्ला बोल कर रहे हैं, क्या बात है और आप लोगों की क्या बातचीत हुई अभी? देखिए, ये कोई जो है रिपोर्टेड इंसिडेंट जो है 5 जुलाई का है, जो कि हमें 6 जुलाई को बताया गया, ठीक है, उसके बता रहे हैं कि जैसे ही बताया गया तुरंत HM को जो है इन्फॉर्म किया गया। HM ने
उसी शाम को 5 बजे के आसपास बुला के पेरेंट्स के साथ बैठ के पूरा वीडियो फुटेज दिखाया गया। वीडियो फुटेज देखने के बाद पेरेंट्स का कहना था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनको ये कहा गया कि आप एक काम कीजिए, आप मंडे को आइए, आके आराम से दोबारा वीडियो फुटेज देख सकते हैं। तो मंडे को जो है उनको दोबारा वीडियो फुटेज दिखाया गया, जैसे ही कैरम और इवन बच्ची को जो है स्कूल में घुमाया गया, बच्ची ने जो है जो इसके ऊपर एलिगेशन है लेडी अटेंडेंट का, तो लेडी अटेंडेंट को पहचानने से इनकार कर दिया। और घटना ये है कि बच्ची आती है सुबह, आके आने के बाद एक गेम होता है पासिंग द बॉल, उसके लिए उसको लेके जाया जाता है, बच्चे को उल्टी आती है, उल्टी आने के बाद बच्चे को का फेस मुँह धो के उसको वापस क्लास में लेके आया जाता है। और उसके बाद बच्चा पूरे दिन बाहर नहीं निकलता क्लास से, जब छुट्टी होती है तो बच्चा जो है क्लास टीचर के साथ अपने बस में चला जाता है। बच्ची को हॉस्पिटल ले गए थे परिजन, उसके बाद जो मेडिकल टीम जांच टीम भी गठित की गई पुलिस के द्वारा, ये जांच टीम गठित करने का रीज़न क्या था? उसका मुझे नहीं है, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आप पेरेंट्स से या पुलिस अधिकारियों से पूछेंगे तो बेटर रहेगा। नहीं नहीं, आपसे भी पूछताछ हुई होगी जब जांच टीम गठित हुई है, तो एडिशनल एसपी क्राइम के नेतृत्व में यहाँ जांच टीम पहुंची थी, आपसे भी पूछताछ हुई होगी, बाकी लोगों से पीछे पूछताछ, क्या जवाब दिया आप लोगों ने और क्या रिजल्ट? हमने जो फैक्ट्स हैं बताए सारे, मैंने जो आपको बताया है और पूरी वीडियो फुटेज शुरू से लेकर अंत तक है, बच्चे के अंदर क्लास के आने से बच्चे के जाने तक तो क्लियर कट है, कहीं कुछ है ही नहीं चीज़। अभी परिजन मांग रहे हैं फुटेज आपसे, आप परिजन को हमने फुटेज पूरा दिखाया और पूरा का पूरा फुटेज जो है पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। अब ये फुटेज देना जो है, अगर पुलिस किसको देती है किसको नहीं देती है इसके पर मेरा अधिकार नहीं। तो पुलिस बोल रही क्या ये मामला किसी को ना बताएं ना छुपाएं करके? नहीं नहीं, पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तक ये पूरी जांच चल रही थी ऑब्वियसली इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। तो अचानक KG1 के बच्चों को बुलाकर आप मीटिंग ले रहे हैं, ये मीटिंग लेने की जरूरत क्यों पड़ी अचानक उनके पेरेंट्स को बुलाकर? उसको बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये जो चीज़ें अफवाह चल रही हैं इन अफवाहों का अंत होना चाहिए। अफवाह कहाँ पे चल रही थी? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो आपने प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी की अपने तरफ से? प्रेस रिलीज क्योंकि कहीं भी हमारे स्कूल का उसके अंदर नाम नहीं है, ठीक है? जो भी रिपोर्ट चाहिए आप, एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसमें आप दिखा सकते हैं कि स्कूल का नाम है। तो PTM मीटिंग बुलाया, PTM मीटिंग में पुलिस का क्या काम? अभी तो PTM नहीं बुलाया ना, अभी किसने PTM बुलाया? 3 बजे बता रहे लोग, अभी तो किसी ने बुलाया नहीं PTM, तो अपने आप पेरेंट्स आए हैं और जितने पेरेंट्स आए हैं हमने किसी को भी आने से इनकार नहीं किया। बच्चे के पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा, जो बच्ची है छोटी सी उसके पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा कि क्या किस बात का शक है? उन्होंने ये कहा कि उनको शक है कि किसी ने उनके प्राइवेट पार्ट पे मारा है। तो इस पे आपने एक्शन नहीं लिया क्योंकि बहुत गंभीर? लिया ना, लिया एक्शन लिया, सेम पे तो दिखाया पेरेंट्स को। तमाम पेरेंट्स में नाराज़गी दिख रही है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, इस बच्चे को कुछ हुआ थोड़ी ना? यहाँ कुछ नहीं हुआ तो आपने एक किसी को सस्पेंड किया अपने स्टाफ मामले? सस्पेंड नहीं किया। आरोप किस पे लग रहा वो कहा? सस्पेंड नहीं किया गया, ऐसा था कि जब जांच चल रही थी तो जांच चलने के दौरान हमें कहा गया कि जब तक जांच हमारी पूरी नहीं होती है लेडी अटेंडेंट को आप स्कूल में मत आने दीजिए, जांच जैसे ही ख़त्म होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है आप लेडी अटेंडेंट को दोबारा बुला सकते हैं। और कल कल जो है हमें बताया गया कि जांच पूरी हो चुकी है, अब आप चाहे तो लेडी अटेंडेंट को बुला सकते हैं, ठीक है? और उसको ऑलरेडी हमने बुलाने के लिए बोल दिया है और शायद आज प्रेजेंट होगी भी। एक फाइनल बयान आपसे चाहेंगे, जो आरोप परिजन लगा रहे हैं पेरेंट्स आए हुए हैं, क्या वो आरोप गलत है? किस तरह की घटना हुई थी, इस घटना का आप खंडन कर रहे हैं किस तरह? ये मैं बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ, ऐसी कोई घटना नहीं। गीता झुंझानी जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? जी नहीं। किसी को? जी नहीं। तो ये सारे आरोप को खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ। और हम तो कहते हैं और भी अगर उच्च स्तरीय कोई जांच होती है हमें उसमें कहीं कोई परहेज नहीं है। तो पेरेंट्स से भी क्या बातचीत हुई आप लोगों की? मैंने आपको जितना घटना है उसके बारे में बता दिया मैंने। जिस तरह से आपने बाइट सुनी पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि क्या कुछ मामला था, क्या कुछ बताया जा रहा था और क्या कुछ दर्शाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अगर कोई जांच बाकी है
और अगर कुछ आता है तो हम केपी न्यूज़ के माध्यम से पूरी खबर आपके सामने अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल के लिए जो खबर हम तक पहुंची, जो हमें बताया गया, जो भीतर से रिपोर्ट आए, उसके आधार पर हम ये खबर बना रहे हैं। और ये पूरी खबर तमाम रिपोर्टों के आधार पर बनी है। फिर वो चाहे डॉक्टर को बताए गए, जो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स निकाले उस रिपोर्ट्स के आधार पर बताए गए पुलिस को, और दुर्ग पुलिस के द्वारा हम तक बताए गए उस बयान के आधार पर हमने ये खबर बनाई है। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार हम खबरों के माध्यम से ऐसे ही दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।